भाई इसको मोड़ के देखो, दोबारा उसको राउंड लेके जाएंगे। देखो साइलेंट है बिल्कुल भाई, देख लो आवाज बिल्कुल भी कैसी भी नहीं है। तो मतलब जैसे 4-5 महीने होगा कुछ चलाते चलाते, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ऑटो का? देखो मेरी उम्र के हिसाब से 60 साल की उम्र है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। अच्छा यहाँ से देखो इसकी एंट्री करने के लिए गेट है, खुल गया गेट ये, और देखो यहाँ से हम चढ़ जाएंगे इसके अंदर। और भाई स्पेस तो काफी यार, इसकी रेंज क्या है? 100 किलोमीटर एक टाइम। हेलो एवरीवन, कैसा भाई आप सब, एक बार फिर से आपका वेलकम आज की एक नई वीडियो में। तो भाई देखो फिलहाल बहुत सारे कमेंट आते हैं भाई कि कहते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो के ऊपर वीडियो बनाओ। तो देखो भाई आज मैं लेके आऊँ इलेक्ट्रिक ऑटो। तो देखो भाई अपने सामने, ये देखो भाई अपने सामने खड़ा है प्याजो कंपनी का एक इलेक्ट्रिक ऑटो। इसकी भी बहुत डिमांड आती है भाई इलेक्ट्रिक ऑटो की, एक वीडियो बनाओ। तो देखो भाई आज अपने सामने है प्याजो कंपनी का एक इलेक्ट्रिक ऑटो। एक बार आप पूरी भाई लुक देखो ऑटो की कि भाई इलेक्ट्रिक ऑटो है कैसा दिखने में। ये जैसे भाई पहले वाले ऑटो आते ना, जैसे आपने देखा पूरा कवर्ड थे, तो बिल्कुल सेम वैसा ही ऑटो है। और यहाँ से कवरिंग भी अच्छी कर रखी है भाई, देखो इसमें गेट्स लगा रखे हैं, देख रहे हो ना। एक बार लुक देखो भाई पूरी ऑटो की, देख रहे हो भाई पूरा जैसे पेट्रोल में आता है ना, पेट्रोल सीएनजी वाले ऑटो थे, बिल्कुल सेम वैसा ही है। एक वाइपर दे रहेगा फ्रंट में और आगे से देख सकते हो भाई। और हाँ भाई आगे आपको दिखाऊं मैं, एक देखो इसके अंदर एक शॉकर दे रहेगा खाली, इसमें ड्यूल शॉकर नहीं है, खाली एक ही शॉकर है। तो चलो चलो भाई जानकारी लेंगे अंकल से। तो भाई वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? और इसके बारे में जानकारी लेंगे क्या कैसे क्या एक्सपीरियंस है जिनका ये ऑटो है, तो उनसे पूरी जानकारी लेंगे, मतलब चलाने में कैसा रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका अभी तक का। चलो ठीक है भाई। तो नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो ये अंकल जी इसके बारे में, ऑटो के बारे में बताइए कि आपको चलाते हुए कितना टाइम हो गया इस ऑटो को? मेरे को 4-5 महीने हो गए बेटा। 4-5 महीने हो गए? हाँ। तो जैसे अभी फिलहाल एक कैसे है ऑटो अपना, अपना ही है कैसे है, रेंट पे? नहीं मैं रेंट पे चला रहा हूँ बेटा। अच्छा रेंट पे चला रहे हो, तो मतलब जैसे 4-5 महीने होगा कुछ चलाते चलाते, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ऑटो का? देखो मेरी उम्र के हिसाब से 60 साल की उम्र है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। अच्छा। ना इसका कोई क्लच है ना गियर है, स्मूथ चलता है जैसे कार में बैठे हो। अच्छा अच्छा। सवारी भी बहुत खुश होती है। अच्छा। सवारी भी बहुत खुश होती है और मेरे को भी कोई थकावट नहीं है। हाँ, सारा दिन चलाऊं कोई थकावट नहीं है शाम तक। अच्छा, तो इसके अंदर जैसे आप इसको चलाते हो तो उसकी पावर वगैरह कैसे फील होती है? ये दूसरे ऑटो से इसकी पिकअप ज्यादा है। अच्छा, पेट्रोल वालों से? हाँ, जो सीएनजी चल रहे हैं जो हरे वाले। हाँ, जो सीएनजी वाले होते हैं। पिकअप भी ज्यादा है। अच्छा अच्छा। उसके इसके फंक्शन दे रखे दो। अच्छा। एक फंक्शन तेज है, एक और फंक्शन है जो पहाड़ी वाड़ी पे फटाफट चल जाता है। अच्छा, हिल स्टेशन में अगर जाने के लिए चाहिए? फर्स्ट क्लास है, मतलब दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तेज स्पीड का एक स्लो स्पीड का। अच्छा, दो मोड होंगे इसमें? हाँ, जैसे फ्लाई ओवर में नहीं चढ़ते हम। हाँ, हाँ, हाँ। उस टाइम हम फंक्शन दूसरा चेंज कर देते हैं। अच्छा, पावर बढ़ जाती है उसके अंदर? बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा। फटाफट चढ़ाई भी चढ़ जाता है फर्स्ट क्लास और कोई महसूस नहीं होता किसी को। तो भाई देख लो भाई ऑटो देख लो, बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो चलो भाई इसके थोड़ा अंदर जाके दिखाते हैं आपको कैसा क्या है इसके अंदर, ठीक है? आ जाओ। तो भाई देखो अंदर से देखो भाई ऑटो हमारी, तो भाई देखो इस तरह का ऑटो है भाई अंदर से पूरा। जैसे भाई रैंडमली वहाँ बटन्स वगैरह होते ना, जैसे यहाँ पर ये सिस्टम दे रखा है और यहाँ स्पीड स्पीडोमीटर है। और देखो भाई ये अभी तो आपने लगाया होगा ना फोन का माउंट, देख लो भाई ऊपर इसके जैसे होती है ना, और ऑटो के अंदर मैट होती है वैसे ही मैट है इसके अंदर भी। ये देखो इसमें स्टोरेज दे रखी है और यहाँ पर देखो भाई ये है, यहाँ पर क्लच नहीं है, देख रहे हो ना भाई? और यहाँ पर खाली एक लाइट के फंक्शन है, ये लाइट के अंकल? हाँ ये लाइट के, ये है स्पीड वाला। अच्छा अच्छा। ये मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, देखो इसका मीटर ऑन हो गया। ये न्यूट्रल है, ये एक ये स्पीड है नॉर्मल एफ वाली। अच्छा एफ नॉर्मल है। हाँ, ये जब पहाड़ी पूरी आए बी फ्लाई ओवर आए तो हम इस पे कर देते बी पे। अच्छा बी पे, बी के अंदर पावर बढ़ जाती है? बहुत पावर बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा भाई ये बात है। देखो भाई इसके अंदर यार ना RNFB यानी बूस्ट मान लो भाई, बूस्ट के अंदर पावर बढ़ जाती होगी। और भाई यहाँ एक्सेलरेशन है देख सकते, ये तो चल गया, चालू है। हाँ बढ़ रहा है। तो देखो भाई इसके अंदर बाकी नीचे ओपन है सारा एरिया, आप देख सकते हो इसमें स्पीकर वगैरह भी है। स्पीकर है दो। तो भाई देखो यहाँ पे स्पीकर भी दे रखे हैं, बढ़िया भाई। इसमें सिस्टम भी लगाओ फिर तो सब कुछ है। सिस्टम कहाँ पर लगा इसका? ये है चार्जर का सिस्टम भी है। अच्छा चार्जिंग का भी यहाँ पे ये लगा हुआ भाई। देखो पीछे चार्जिंग का भी सिस्टम दे रखा है, फोन वगैरह चार्ज कर रहा हूँ। तो देखो भाई ये रहा चार्जिंग का पोर्ट भी यहाँ पर एक, और ये देखो पार्किंग की लाइट भी दे रखी है, चारों लाइट ऑन करनी हो वो भी यहाँ पर। और इसमें म्यूजिक सिस्टम कहाँ लगाएंगे? ये बने ना स्पीकर नहीं, गाने चलते कहाँ से? लगवाना पड़ेगा। अच्छा लगाना पड़ेगा। हाँ। तो भाई इसमें स्पीकर की जगह दे रखी है, बाकी सिस्टम इसमें लगवा सकते हैं अलग से। और भाई देखो यहाँ पर जैसे यहाँ भी स्पेस है खाली, यहाँ पर जैसे और ऑटो में जगह होती है ना, यहाँ पर जगह नहीं है। और ये एक ब्रेक दे रखा, ब्रेक का पेडल है, ब्रेक का नहीं स्पेस तो बहुत ज्यादा दूसरे ऑटो से बढ़िया।
और देखो भाई आपको मैं अंदर से दिखाऊंगा, देखो यहाँ से, यहाँ से देखो इसकी एंट्री करने के लिए गेट है, खुल गया गेट, और देखो यहाँ से हम चढ़ जाएंगे इसके अंदर। और भाई स्पेस तो काफ़ी यार, और ऑटो इसको कंपेयर करें ना सीएनजी वाले ऑटो से, तो उसमें काफ़ी स्पेस है। देख लो भाई मैं ऐसे बैठा हूँ और आगे कितना स्पेस है, मतलब सामान हम आगे भी रख सकते हैं। हाँ देख लो भाई मैं यहाँ पर हूँ और साइड में मतलब दो बंदे और आराम से बैठ जाएंगे यहाँ पर, चार बैठ जाते हैं। तो देखो भाई पीछे का स्पेस देख लो भाई, पीछे थोड़ा ये लगा ऊपर साइड में जगह बैटरी के लिए वो लगा हुआ जगला। अच्छा अच्छा तो देख लो भाई स्पेस दे रखा है, मतलब ठीक है यार उनसे तो बढ़िया ही है भाई, चल रहे हैं जो है। और देखो भाई यहाँ पर एक चीज और है, ये देखो यहाँ पर मीटर भी दे रखा है, तो ये मीटर के हिसाब से मतलब चलता हुआ है। हाँ बिल्कुल, वैसे कोई गम में लेके जाओ वो अलग है। हाँ वो अलग है। तो भाई यहाँ से निकलने का रास्ता है, गेट सही दे रखे हैं भाई, देखो उसमें ये दे रखी है, ये ऊपर ऊपर पुल करोगे तो गेट खुल जाएगा इसका। और बढ़िया बात है भाई उसमें हरे वाले ऑटो में तो भाई वहां से बंद होता है, खाली एक तरफ से एंट्री होती है, ये दो तरफ। देख लो भाई इलेक्ट्रिक यार आने वाले टाइम में ये चलेंगे, इसकी डिग्गी खोल दो, खुल जाएगी, खुल जाएगी, लेकिन उसमें बैटरी है कुछ। अच्छा बैटरी है खाली इसके अंदर। तो भाई बाकी आने वाले टाइम में भाई इलेक्ट्रिक ऑटो चलेंगे आपको मालूम है, और गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं और स्कूटर भी इलेक्ट्रिक आ रहे हैं। तो भाई इसकी रेंज क्या है? 100 किलोमीटर एक टाइम से दोबारा चार्जिंग करा सकते हो। अच्छा 100 किलोमीटर चलता है एक चार्ज करने पे। हाँ। और चार्जिंग का टाइम कितना लगता है इसका? 1.5-2 घंटे। 1.5-2 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है। हाँ। और इसका आपको वैसे, और ये पोर्ट देखो भाई चार्जिंग का पोर्ट ना, देखो भाई चार्जिंग का पोर्ट इसका यहाँ दे रखा है। बाकी भाई सिंपल सा ऑटो जैसे वो पहले वाला ऑटो था ना अपना, बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह ऑटो है, सिंपल ऑटो। भाई इसको मोड़ के देखो दोबारा, उसको राउंड लेके जाएंगे, देखो साइलेंट है बिल्कुल भाई, देख लो आवाज बिल्कुल भी कैसी भी नहीं है, मतलब इनकी मालूम नहीं पड़ती भाई आवाज ऑटो की, स्टार्ट हो जाए बंद हो जाए कैसे भी, ऐसे अपने स्कूटर आते हैं, ऐसी गाड़ियां आ रही हैं भाई। तो देख लो भाई है, तो भाई देखो इसके अंदर एक फंक्शन हो रहा है और इसमें रिवर्स गियर हो रहा है, एक बार देखो अंकल रिवर्स करना, उसको रिवर्स करना, बैक ले जाना। देखो भाई आगे पीछे दोनों, आगे चलती चलती है बैक भी होती है भाई, देख लो है ना भाई बढ़िया फीचर। देखो भाई रिवर्स का यहाँ पर है, ये रिवर्स का है, ये न्यूट्रल का है ना, ये न्यूट्रल आ गया, ये करीब वापस रिजर्व हो गया, अब रिजर्व पे करूंगा तो ये पीछे चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर आगे करूंगा तो आगे चलेगा। हाँ मतलब नॉर्मल से फीचर है, कोई समझने में इतना टफ नहीं है, मिनट का काम है। हाँ कोई टफ नहीं है समझने के लिए। बाकी देख लो भाई स्पीड और चार्जिंग का वही आ रहा है, चार्जिंग ये है इनकी, देखो चार्जिंग ये दे रखे सेल, और बाकी स्पीड का मीटर है, उसमें एक अलग से बैटरी लगी हुई है, ये पीछे बड़ी लगी हुई, ये तो छोटी। हाँ, नहीं वैसे बता रहा हूँ, देखो भाई इसमें एक बैटरी और लगी हुई है, ये जो और फंक्शन दे रखा है, देखो मीटर दे रखा है इन सब के लिए, ये अलग से एक बैटरी लगा रखी है इसका, और जो इसकी मेन बैटरी है देखो भाई, इसकी मेन बैटरी लगी है यहाँ पर पीछे। तो देख लो भाई पियाजो कंपनी का ऑटो है, तो भाई कमेंट करना भाई कैसा लग रहा है आपको ऑटो, ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखो भाई बाकी भाई कमेंट कर देना आपको ऑटो कैसा लगा, और पूरी और डिटेल वीडियो के लिए नीचे कमेंट कर देना, और बने रहो सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, नेक्स्ट वीडियो मिलता है आपसे, बाय। Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness.